बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BCN न्यूज के भविष्य दर्शन इस नए कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक नए रंग के साथ, एक नई चाहत के साथ और एक नई उमंग के साथ 2022 की शुरुआत हो गई है। इस नए वर्ष में क्या कहते हैं आपके सितारे और आपकी राशि के लिए ये साल कैसा होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य श्रद्धानंद मोहन जी। आचार्य जी के बारे में बताना चाहूँ तो बीते 20 सालों से आचार्य जी को ज्योतिष शास्त्र का अनुभव है। वे अंक शास्त्र के बारे में जानते हैं, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ है। आचार्य जी, जिस तरह से हर कोई साल 2022 का इंतजार कर रहा था, उसी तरह हर कोई जानना चाहता है कि ये जो साल 2022 है ये लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में मार्गदर्शन करें, बताएं उनकी राशि के हिसाब से ये साल उनके लिए कैसा रहेगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कुमार ब्रह्मचारी तस्मै श्री हनुमते नमः। BCN के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए 2021 ऐसा अच्छा तो नहीं गया, उम्मीद है सभी को कि 2022 अच्छा जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र हमारा जो सनातन ज्योतिष शास्त्र हमारे 12 राशियों के बारे में क्या कहता है और ये साल हमारा 2022 कैसे जाएगा, इसको हम जानेंगे अभी हमारे भविष्य मार्गदर्शन कार्यक्रम में। सबसे पहले जानते हैं हमारे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों को ये साल अच्छा जाएगा, इसका पहला भाग बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। कामकाज में सफलता मिलेगी, सर्विस वालों को प्रमोशन मिलेगा, साल के दूसरे भाग में धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा और तीर्थ यात्रा के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिनको विदेश यात्रा करना है उनको विदेश यात्रा भी हो सकता है। और घर के अंदर शुभ कार्य के लिए खर्चा होगा या शुभ कार्य होंगे जिसके वजह से घर में एक आनंद और प्रफुल्लित वातावरण हो सकता है। और मेष राशि वालों को खास करके अप्रैल और मार्च के महीने में अपने घुटनों का ध्यान रखना है, चोट लगना या संभव हो सकता है। कामकाज के अंदर अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा सा शांतिपूर्ण वातावरण बना के रखें और उन्नति भी मिलने का योग है। और इस साल को सफल बनाने के लिए मेष राशि वालों को मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें और खास करके शनिवार के दिन शनि महादेव का भी अगर दर्शन करते हैं तो बहुत अच्छा है। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, सफलतादायक रहेगा और उन्होंने जो जो मन में सोच के रखा है वो सारे सपने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने बताया कि मेष राशि वालों के किस तरीके लिए ये साल रहेगा, जानते किस तरीके का साल ये वृषभ राशि वालों के लिए रहेगा, बताइए। वृषभ राशि वालों के लिए नया साल सफलता और नया ऊर्जा का संचार करेगा। कामकाज में सफलता मिलते दिखाई दे रहा है, सर्विस वालों को प्रमोशन मिलेगा, पार्टनरशिप नया कोई शुरू होने का योग बनता दिखाई दे रहा है, यात्रा सुखद होगा। जो विद्यार्थी बच्चे पढ़ाई लिखाई में हैं उनको ये साल बहुत अच्छा रहेगा, बशर्ते थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। और बिजनेसमैन को ये साल बहुत सफलता देगा, लाभ देगा और अपने मित्रों से उनको ज़्यादातर सफलता मिलने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं तो उसमें भी उनको ये 2021 के मुकाबले 2022 में अच्छा सफलता दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों को माता महालक्ष्मी, भगवान गणपति, भगवान हनुमान जी और माता काली का पूजा करना चाहिए सफलता पाने के लिए इस साल में। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए साल सफलता का साल कहा जा सकता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर से, जानते किस तरीके का मिथुन राशि वालों के लिए साल रहेगा। देखिये मिथुन राशि वालों को ये साल पिछले साल के मुकाबले 2021 के मुकाबले ये साल अच्छा रहेगा 2022। और मिथुन राशि वालों को पहला भाग इस साल का कामकाज के अंदर अच्छा प्रमोशन मिलेगा, अच्छा उनको सफलता दिखाई देगा आधे भाग में। दूसरे भाग में थोड़े से पुराने बीमारी आने के योग बनते हैं, पुराने जो तकलीफ थे फिर से व्यापार के अंदर, कामकाज के अंदर, घर के अंदर पैसे पाने को लेकर तंगी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके पुरुषार्थ से, इनके मेहनत से ये इस चीज़ को पार कर जाएंगे, सफलता मिलेगा। मेहनत जो करते हैं उन लोगों को, कामकाज के अंदर भी थोड़ा सा मंदी दिखाई देगा लेकिन
इनका मेहनती गुण और इनका बुद्धि चातुर्य से उस चीज को पार लगेंगे, पार पड़ेंगे। बहुत परिश्रम करने के बाद भी इनको सफलता मिलना थोड़ा सा दिखाई तकलीफ रहेगा, लेकिन हनुमान जी की कृपा से, शनिदेव की कृपा से अगर पूजा पाठ करेंगे, भोलेनाथ की पूजा करेंगे, तो इनको 2022 में अच्छा सफलता दिखाई देगा। कामकाज के अंदर भी अच्छा आयाम मिलकर उनको उन्नति मिलने के योग बनते। ओके, कहीं ना कहीं हमने जाना कि किस तरीके से मिथुन राशि वालों के लिए साल रहेगा। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए साल क्या कहता है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये साल जो पहला भाग है वो थोड़ा सा परेशानियां लेकर आएगा, परंतु साल का दूसरा भाग सफलता, उन्नति, प्रमोशन और व्यापार में वृद्धि लेकर आएगा। कर्क राशि वालों के घर में शुभ कार्य होने के योग बनते हैं। कर्क राशि वालों का ये साल का दूसरा भाग में कामकाज को लेकर थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए भगवान शंकर, हनुमान जी, गणपति और श्री रामचंद्र का पूजा करने वालों को सफलता अच्छा रहेगा। कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए साल का ये अगला भाग बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये जो है मिश्र साल रहेगा, परेशानियां भी रहेगी पर सफलता भी मिलेगी। जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आने वाला 2022 कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए 2022 मध्यम रहेगा। साल के पहले भाग में पार्टनरशिप अच्छे होंगे, कामकाज में सफलता मिलेगी, लेकिन साल के दूसरे भाग में सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, आर्थिक परेशानी आ सकती है, अपने परिवार को लेकर चिंता होगी और विरोधी पक्ष के साथ परेशानी और विरोधी पक्ष पर विजय पाने का भी योग बनता है। अच्छा। सिंह राशि वालों के लिए, जो सिंह राशि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साल असल आलस करने वालों को पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी दिखाई देगी। सिंह राशि वालों के लिए सूर्योपासना करना, पिता का सेवा करना और गुरु और भगवान शंकर का पूजा करना अच्छा रहेगा। ओके, ये थी सिंह राशि वालों के लिए। ये जानते किस तरीके से कन्या राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए 2022 साल का पहला भाग परेशानियों वाला, थोड़ा चुनौती वाला भरा हो सकता है, लेकिन साल का जो दूसरा भाग है कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सफलता देगा, कामकाज में उन्नति मिलेगी, घर में कोई शुभ कार्य होने के योग बनते हैं, शादी के योग्य जो लोग हैं उनकी शादी हो सकती है। कन्या राशि वालों को अप्रैल और मई के महीने में दुर्घटना होने का योग बनता है, तो गाड़ी बहुत सोच संभल के चलाएं और वो चलने फिरने टाइम पे, उतरने चढ़ने टाइम पे भी बहुत सोच समझ के काम करें। जो कन्या राशि के महिला हैं उनको गर्म तेल, तेज धार, चाकू, करंट से बचकर सोच समझ के काम करना चाहिए अप्रैल और मई के महीने में। और कन्या राशि वालों के पेट संबंधी समस्या हो सकती है, कामकाज में सफलता और विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और उससे उनको अच्छा मार्क्स भी मिलने का योग बनता है, लेकिन आलस न करें। कन्या राशि वाले इस साल भगवान राम, भगवान कृष्ण और शनिदेव का पूजा करने से उनको अच्छी सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कन्या राशि वालों को इस साल सावधानियां थोड़ी बरतनी है, और अगर उन्हें अपना साल अच्छा जाना वो चाहते हैं तो उनको सावधानियां कहीं ना कहीं बरतनी, खास करके मई और जून के महीने में थोड़े से सावधानी बरतनी है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर, जानते किस तरीके का उनका ये 2022 जो साल है वो रहेगा। देखिये, तुला राशि वालों के लिए 2022 का साल मध्यम तरीके का रहेगा। कामकाज में परेशानी रहेगी और साल के पहले भाग में तुला राशि वालों के लिए शादी के योग्य जो हैं उनकी शादी होगी। जो लोग संतान के इच्छुक हैं या संतान करना चाहते हैं उनको संतान के योग बनते हैं साल के पहले भाग में। दूसरा, व्यापार में व नौकरी में संघर्षपूर्ण माहौल दिखाई देगा। पार्टनरशिप को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। पति पत्नी में पारिवारिक क्लेश बढ़ सकती है। तुला राशि वालों के लिए 2022 में कानूनी संबंधित विवादों से बचने का एक मेरा सलाह है, क्योंकि अगर कोई कानूनी संबंधित परेशानी है तो उसको बीच का रास्ता निकाले, समझौता करके उसको सेटलमेंट करना अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, बशर्ते वो आलसी न बने, मेहनत से पीछे न हटें, वाहन संभल कर चलाएं और दुर्घटना के योग बनते दिखाई दे रहे मई से लेकर जून तक का। तुला राशि वालों के लिए भगवान हनुमान जी, माता दुर्गा की उपासना करने से एक अच्छा सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आएगा। और तुला राशि के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, पॉजिटिव सोचें,
पॉजिटिव सोच समझ के चले, पॉजिटिव एक दृष्टिकोण रखे जीवन में, सब अच्छा होगा उनके लिए। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तुला राशि वालों ने अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखा तो ये साल उनके लिए बेहद ही अच्छा जाएगा। आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा 2022। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल 2022 सफलता पूर्वक रहेगा, कामकाज बढ़ेगा और प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। फालतू के झगड़े और विवादों से वृश्चिक राशि वाले दूर रहे 2022 में, क्योंकि इनको 2022 में ऐसे योग बन रहे हैं कि झगड़े बे कोई रीजन के बगैर, कोई कारण के बगैर झगड़े होना, आपसी मतभेद बढ़ने का योग बनता है, तो फालतू के जो टेंशन है उससे दूर रहें। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होंगे, विदेश यात्रा के द्वारा इनको सफलता भी मिलेगी। 2022 में वृश्चिक राशि वालों के लिए साल का दूसरा भाग 2022 का साल के पहले भाग से अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करना चाहते हैं उनको इस साल में उनको प्रॉपर्टी में नया प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए नया लीडरशिप का भी योग बनता है, नेतृत्व करने का भी उनको योग बनता है इस साल में, और भगवान गणपति, भगवान हनुमान जी, भैरव भगवान का पूजा करने से इनको सफलता मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जाना हमने कि किस तरीके से साल 2022 रहेगा, आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए साल क्या कहता है। देखिए धनु राशि वालों के लिए 2022 मिला जुला रहेगा, कामकाज में सफलता मेहनत के बाद मिलेगी, आर्थिक दृष्टि से यह साल मध्यम रहेगा, पेट संबंधी परेशानी और दूसरे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, विवाद से बचे, परिवार में अच्छा माहौल बनाए रखने का कोशिश करें। विद्यार्थी के लिए यह साल मध्यम रहेगा, मेहनत जरूरी होगा, सफलता मिलने के योग बनते हैं। धनुराशि वालों के लिए गाड़ी संभल कर चलाना होगा, छोटा मोटा दुर्घटना होने का योग बनता है। अगर धनुराशि वाले आलस न करें, मेहनत करेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। ये साल कुल मिला के मिला जुला रहेगा, मेहनत करने वालों के ये साल बहुत अच्छा रहेगा। 2022 में धनुराशि वालों को शंकर भगवान की पूजा, भगवान नारायण की पूजा और शनिदेव की पूजा करने वालों को सफलता जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं धनुराशि वालों को मेहनत ज्यादा करनी है और ये साल उनके लिए मिला जुला रहेगा, अगर मेहनत की तो सफलता जरूर। कारण क्या है? ये साल में धनुराशि वालों को साढ़े साथी में चल रहे, तो उनको मेहनत करना जरूरी है। हनुमान जी का और शनिदेव को पूजा करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये था धनुराशि वालों के लिए साल कैसा जाएगा, ये जानते मकर राशि वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा। देखिये मकर राशि शनि प्रधान राशि है और मकर राशि वालों को साढ़े सती चल रहा है, और मकर राशि वालों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये साल मकर राशि वालों को भी मिला जुला ही परिणाम मिलेंगे। 2022 में मकर राशि में शादी के इच्छुक जो लोग हैं उनकी शादी होगी, और मकर राशि वाले खास करके साढ़े सती के चलते उनके जीवन में राहु केतु के प्रभाव के चलते उनके जीवन में बहुत सारे विवाद खड़े होंगे, उन विवादों को उन्होंने आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को मिटाने का कोशिश करना चाहिए, अच्छे से बैठ के उसको सेटलमेंट करने का कोशिश करें मकर राशि वाले, और पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने जीवन के जो भी आपसी मतभेद है, उलझने, उनको परस्पर बैठ के उनको सुलझाएं, क्योंकि शनि वक्री होकर मकर राशि में चलेंगे तो ज़्यादातर इस चीज़ को उलझाएंगे, तो शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा एक पॉजिटिव दिमाग रखकर इस चीज़ को चलाएं। और मकर राशि वालों को व्यापार वर्ग के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, प्रमोशन मिलने के योग है, और जो लोग सर्विस में हैं मकर राशि वाले उनको भी प्रमोशन मिलने का योग बनता है। मकर राशि वालों की विद्यार्थी वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, बशर्ते आलस उनको नहीं करना चाहिए, और जो मकर राशि वाले उनको भगवान हनुमान जी, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए, जिसके वजह से उनको साढ़े साथी संबंधी जो प्रभाव है कम होगा और उनको जीवन में उन्नति मिलेगी ये साल पूरा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं मकर राशि वालों पे साढ़ी साथी रहेगी तो थोड़ा सा परेशानी दायक ये साल होगा, पर अगर मेहनत करेंगे तो सफलता उन्हें जरूरी निश्चित तौर पर हासिल होगी। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए साल कैसा होगा। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए ये साल 2022 का पहला भाग मध्यम रहेगा, साल का दूसरा भाग अच्छा रहेगा, साल के दूसरे भाग में आर्थिक परिस्थिति अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है, दूर का यात्रा या देश के अंदर ही भ्रमण करने का योग बनता है, परिवार के ऊपर खर्चा करने का योग बनता है। कुंभ राशि वालों का विल पावर 2022 में अच्छा रहेगा, मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, शत्रु पक्ष में परेशानी होने का या शत्रु पक्ष के द्वारा परेशान होने का योग बनता है उनको,
2022 में कुंभ राशि वालों को गाड़ी संभल कर चलानी चाहिए, दुर्घटना के योग बनते हैं, व्यापार काम काज और आर्थिक परिस्थिति सुधरेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बशर्ते जो गंभीर रूप से परेशानी जो रोगी हैं उन्होंने अपने स्वास्थ्य पे खास करके ध्यान देना चाहिए, जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, जिनको पित्त का प्रॉब्लम है और जिनको पुराने नसों की बीमारी है वो लोग बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कुंभ राशि वालों को। और कुंभ राशि वालों को माता लक्ष्मी, भगवान हनुमान जी और भगवान कृष्ण की पूजा करने से उनको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन साढ़े साथी के चलते शनिदेव को शनिवार के दिन जाके दर्शन करने से उनको अच्छा लाभ होगा। कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जो है उन्हें साढ़े साथी के प्रकोप के चलते कहीं ना कहीं शनि भगवान को पूजना है, साथ ही स्वास्थ्य का अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि उन्हें कुछ समस्याएं इस साल स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती है, पर अगर ध्यान दे तो वो समस्याएं भी टल सकती है। इस साल आधे पूर्व भाग में 2022 के आधे भाग में शनिदेव वक्री होकर कुंभ राशि से फिर मकर राशि में आएंगे, उसके चलते साढ़े साथी जिनको भी है जैसे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि वालों को खास करके ज्यादा परेशानी बढ़ने का योग बनता है। ओके, जानते हैं मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों के लिए 2022 का साल पहला भाग जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लेकर आएगा, साल के दूसरे भाग में कामकाज अच्छी रहेगी, सर्विस वालों के लिए प्रमोशन मिलेगा और 2022 में संतान का योग बनता है मीन राशि वालों को, परिवार के कोई सदस्य का तबियत बिगड़ सकता है, आर्थिक परिस्थिति पर ध्यान देना पड़ेगा, अप्रैल और मई के महीने में गाड़ी संभल कर चलाएं, दुर्घटना का योग बनता है मीन राशि वालों को। और विद्यार्थी गण जो है मीन राशि वाले उनके लिए अच्छा रहेगा पढ़ाई, हायर स्टडीज वालों को भी बहुत फायदा रहेगा मीन राशि वालों को, और पेट संबंधी विकार परेशान कर सकता है तो मैं मीन राशि वाले जो बच्चे हैं उनसे आग्रह करूंगा जंक फूड न खाएं, जिसके वजह से उनको पेट संबंधी परेशानी अवश्य होगा। दूसरी बात, मीन राशि वालों के लिए शनिवार के दिन शनिदेव का दर्शन करना, भगवान भैरव की पूजा करना, माता दुर्गा की पूजा करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा करना विशेष उनको लाभ मिलेगा, ये अपना मीन राशि के लिए भविष्य था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं मीन राशि वालों के लिए मिश्र सा ये जो रहेगा साल रहेगा, थोड़े से स्वास्थ्य संबंधी चीजों का ध्यान उन्हें रखना है, साथ ही विद्यार्थियों के लिए साल अच्छी सौगात लेके आता है, अगर वो मेहनत करे तो उनके लिए सफलतादायी रहेगा। ये थी 12 राशियां और हमने जाना कि किस तरीके से उनके लिए ये साल कैसा रहेगा 2022। सफलता के लिए मेहनत तो जरूर ही निश्चित तौर पर हर राशि वालों को करनी है और इसी तरह से पूरा जो साल 2022 का है वो सभी का जाएगा। आशा है ये साल आपका बहुत ही अच्छा और सुखदायी हो। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार। नमस्कार। बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर।